खबरें अभी तक पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मंडी लोकसभा सीट पर निगाह इसलिए टिकी हुई है क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की साख दांव पर लगी है। आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव से पहले से सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। अब देखिए, पहले खुशहाल ठाकुर आगे चल रहे थे, कांग्रेस उम्मीदवार अब तक जो है पीछे चल रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस प्रत्याशी आगे। मंडी लोकसभा सीट पर प्रतिभा सिंह अब आगे हो गई है, दिवंगत वीरभद्र सिंह की पत्नी है, चुनावी मैदान में। मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस अब आगे होगी। अब ऐसे में सवाल यह है कि आगे पीछे का खेल कब तक चलता रहेगा? लीड अगर ज्यादा होती है किसी प्रत्याशी की तब हम कह सकते हैं कि हाँ अब स्टेबल है और अब ये उम्मीदवार आगे चलता रहेगा, लेकिन अभी फिर हम कहना चाहते हैं कुछ भी हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले अरुण आपसे मेरी बात हो रही थी, तब आप भी कह रहे थे कि जो लीड हजारों में थी, 1500 से ज्यादा की थी खुशहाल ठाकुर की, वो 300 के करीब आई। अब ये खबर आ गई तुरंत, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि प्रतिभा सिंह आगे हो गई है। डिटेल में बताइए कितने वोटों से आगे है, क्या लीड है कांग्रेस की? देखिए, इससे पहले हमने बताया था कि प्रतिभा सिंह 301 मतों से आगे निकल गई है, लेकिन दो बड़ी खबरें मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। कांग्रेस की प्रतिभा सिंह की लीड जो है अब 985 मतों की हो गई है, यानी 301 से बढ़ती नजर आ रही है और आधार का आंकड़ा छूटी जो है प्रतिभा सिंह नजर आ रही है। ये एक पहली बड़ी खबर है। ब्रिगेडियर खुशहाल पहले इससे आगे निकलते दिखाई दिए थे दो राउंड में, लेकिन अगले दो राउंड के अंदर प्रतिभा सिंह धीरे धीरे कर आगे निकल रही है। मंडी संसदीय सीट के रुझान के संकेत ये क्या कहानी कह रहे हैं, ये इन रुझानों के साथ समझा जा सकता है। लेकिन दूसरी बड़ी खबर कमल जो बड़ी रोचक और बड़ी हैरान करने वाली है, ये भी मैं आपको बता दूं। मंडी में बीजेपी को 9847 वोट मिली है, कांग्रेस को 9932, लेकिन इनके साथ एक आंकड़ा है 3666 का। और कमल, ये 3666 जो वोट है ये नोटा के हैं, यानी मंडी की जनता कश्मकश में कहीं ना कहीं दिखाई दी है। उनको कांग्रेस के नेता पसंद नहीं, उनको भाजपा के नेता पसंद नहीं, नोटा का बटन बताया गया है। ये नोटा का बटन क्या, जो सत्ता में बैठी ये जो भाजपा सरकार है उसके खिलाफ जनता का आक्रोश है, महंगाई के खिलाफ आक्रोश है, ये समझना होगा। और दूसरी बड़ी बात ये है, क्या कांग्रेस जो अपने आप को जीत की तरफ अभी संकेतों के रुझान में दिखाई देती है, लेकिन ये खतरे की घंटी कांग्रेस के लिए भी मानी जा सकती है, क्योंकि नोटा का ये 3666 वोट जो पड़े हैं, लगातार चुनाव आयोग इस बारे में बावत करता रहा है। हम भी अपने दर्शकों को, हम भी अपने प्रदेश के मतदाताओं को कहते रहे हैं कि मत डालने जाइए, बाहर निकलिए मत डालने जाइए, ये लेकिन ये नोटा की तस्वीर कह रही है कांग्रेस के चेहरे जनता को पसंद नहीं। अरुण, अरुण चेहरे जनता को पसंद नहीं।